इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की हमें इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनानी है इसको हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, आर टू टाइप्स। कौन कौन से? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें जिनका जो रिप्लाई है वो हम यस या नो में दे सकते हैं, मीन्स वी कैन से सिंपली यस एंड नो टाइप। ये ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। ये प्राय हेल्पिंग वर्ब इनमें सबसे पहले रहती है और ये हेल्पिंग वर्ब से इनकी शुरुआत होती है। जैसे डू यू लाइक मैंगोजेस, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ गई है डू, और आर यू हैप्पी आर, ये दोनों एग्जाम्पल ये यस नो टाइप और वी कैन से सिंपली ए टाइप इनके एग्जाम्पल। दूसरे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं डब्ल्यू एच टाइप, मींस ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे क्वेश्चंस जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, मींस जिनमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले दिया हुआ होता है, हाउ आर यू एंड वेयर डिड यू स्लीप एटसेट्रा। ये हाउ और वेयर देखें दोनों क्वेश्चन वर्ड इनमें इसमें शुरू में रखा है, इस एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन वर्ड शुरू में रखा है। तो दोनों तरह के जो क्वेश्चंस हैं, दोनों तरह के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, उनको हम किस तरह से चेंज करेंगे, किस तरह से उनकी नरेशन बनाएंगे, इसके लिए कुछ कॉमन रूल्स हैं हमारे पास। क्या क्या रूल्स हैं देखें। सबसे पहला रूल हमारे पास ये ए टाइप मीन्स जो यस नो टाइप है, इसको हमने इसमें जो रूल्स अप्लाई होंगे वो हमने यहाँ लिख दिए, और बी टाइप डब्ल्यू एच टाइप में जो अप्लाई होंगे वो रूल्स यहाँ पर है। तो बस थिंक सैड और सैड टू दोनों ही मीन्स सैड हो या सैड टू हो दोनों पर यहाँ सेम रूल अप्लाई होगा और दोनों को ही हम चेंज कर देते हैं आस्ट में, यस नो टाइप में भी और डब्ल्यू एच टाइप में भी। मीन्स अगर क्वेश्चन है तो पहला काम हम करेंगे सैड और सैड टू दोनों ही आस्ट में बदल जाते हैं। सेकेंड जो कंजंक्शन हमें आगे यूज करना है, अब सैड और सैड टू में तो हमने बदल दिया, लेकिन इसके बाद कंजंक्शन जो हमने भी पीछे लगाया था वो क्या लगाया था, दैट, लेकिन यहां हमें दैट का यूज नहीं करना। यहाँ जो यूज होगा हमारे लिए अगर सेंटेंसेस यस नो टाइप हैं तब हम इफ या वेदर का यूज करेंगे, इफ या वेदर। और सेंटेंसेस अगर हमारे पास डब्ल्यू एच टाइप है तब वहां हम इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे, जो वर्ड है वो अपने आप ही कंजंक्शन का काम करेगा। इसके बाद आगे जो चेंज करना है हमें, भाई पहला काम हमने वर्ब लगा दी, दूसरा काम कंजंक्शन लगा दिया, तीसरा काम कंजंक्शन के बाद हमें क्या करना है, कंजंक्शन के बाद जो हमारी सेंटेंस की फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगी, इफ और वेदर कंजंक्शन, इसके बाद हमें लाना है सब्जेक्ट और जो वर्ब है वो बाद में चली जाएगी। मीन्स यहां देखें जरा, सबसे पहले वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है। तो इस फॉर्मेशन को हमें बदल देना है, हमें इफ और वेदर के बाद फिर जो ये सब्जेक्ट है यू, इसको चेंज करके हमें लाना है, वर्ब इसके बाद जाएगी। यही काम हमें यहां करना है, क्योंकि यहाँ इफ वेदर हमें नहीं लगाना, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें सब्जेक्ट पुट करना है और उसके बाद हमें वर्ब लेकर आनी है। और फोर लास्ट रूल है यहाँ पर कि जो हमारे पास लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तब हम उसको फुल स्टॉप में बदल देंगे दोनों ही जगह। तो यहाँ पे फोर रूल्स है हमारे पास। इन फोर रूल्स में ध्यान रखने वाली बात यह है कि थ्री रूल्स सेम है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। सेकेंड रूल में चेंज है बस। सेकेंड रूल में क्या चेंज है, अगर सेंटेंस हमारे पास डब्ल्यू एच टाइप है यानी हेल्पिंग वर्ब शुरू में रखी हुई है तब हमें क्या करना है, इफ या वेदर को यूज करके कंजंक्शन यूज करके हमें सेंटेंस बनाना है, और अगर वो नहीं है तब हमें क्या करना है, उसकी जगह क्वेश्चन वर्ड रख देना है। क्वेश्चन वर्ड तो ऑलरेडी रखा हुआ है, बस वही क्वेश्चन वर्ड कंजंक्शन का काम यहाँ करेगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट है अंजलि सेड टू मी आर यू गोइंग टू सिनेमा टुनाइट। देखें सेंटेंस सबसे पहले ये कौन सा टाइप है, आर यू गोइंग, यस नो टाइप है और डब्ल्यू एच टाइप है, कौन सा है? तो ध्यान दें ये यस नो टाइप है क्योंकि इसमें जो सेंटेंस का जो रिप्लाई है वो यस नो में दिया जा सकता है और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे में आ रही है।
तो अंजलि पहला रूल हमने अप्लाई किया, फर्स्ट रूल क्या है, सेट और सेट टू को हमने बदला, सेट टू किस में बदला, आस्ट में, अंजलि आस्ट मी। सेकंड रूल हमने अप्लाई किया, सेकंड रूल में क्या है, इफ और वेदर, मींस यहाँ कनेक्शन क्या लेके आए, दैट नहीं लाना हमें यहाँ, इफ लेके आए हम, इफ या वेदर हमारी चॉइस है, कोई सा भी हम यहाँ प्रेफर करें। तो अंजलि आस्ट मी इफ, और थर्ड रूल हमें अप्लाई करना है सेंटेंस में इफ और वेदर के बाद सब्जेक्ट को लेकर आना। अब देखें जो इफ है हमारे पास, यहां पर हमारे पास इफ है, इफ के बाद हम क्या करें, ये जो सब्जेक्ट है इस क्लॉज का, आर यू गोइंग टू सिनेमा टुनाइट, इस रिपोर्टेड क्लॉज में सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट है यू, और जो ये यू है इस यू को हम देखें यहां लाएंगे इस इफ के बाद, कैसे लाएंगे, अब इसको चेंज करना पड़ेगा हमें, रूल्स के प्रोनाउन के रूल्स यहाँ अप्लाई होंगे, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदला, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट चाहिए हमें, मींस मी का सब्जेक्ट क्या है, आई, तो यू किस में बदल गया, आई में, इफ आई। तो रूल हमने कितने लगा दिए भाई, वन टू और थ्री, तीनों रूल हमारे अप्लाई हो गए। अब हमें क्या करना है, बाकी जो बाकी चेंजेज हैं वर्ब एटसेट्रा वो हमने चेंज करके इसमें आगे बढ़ा देना सेंटेंस को। तो सेंटेंस हुआ, अंजलि आस्क्ड मी इफ, यू आई में बदला, आर वाज में बदला, वा गोइंग टू सिनेमा टुनाइट, वर्ड शोइंग नियरनेस, ये किस में बदल दिया गया, दैट नाइट। अंजलि सेड टू मी, आर यू गोइंग टू सिनेमा टुनाइट, अंजलि asked me if I was going to cinema that night. Clear hua rule? Next, second example, he said to me, do you know her name? तो do you know, इसमें भी helping verb शुरू में आई है, इसका मतलब क्या है सेंटेंस को, इसको भी yes no type इस इन रूल्स को अप्लाई करके लगाएंगे, अप्लाई करके बनाएंगे। तो he said to को बदला asked में, he asked me, conjunction if लगाया, if, ये जो you है सेकेंड पर्सन, ये इस मी से बदला किस में आ गया, आई में, इफ आई, और आई के बाद क्या लेके आए, वर्ब क्या है देखें, डू यू नो, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज हुआ हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसको हम लेके आए, ही आस्क्ड मी इफ आई नो किस में बदल गया, न्यू में, और जो हर है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, नो चेंज हर नेम। तो सेंटेंस हुआ हमारा, ही आस्क्ड मी इफ I knew her name. Clear हुआ? Rules समझ में आए? कैसे लगाए हमने दोनों rules? Simple बात है। पहला rule said said to को asked में बदला। दूसरा rule हमने if whether लगाया। तीसरा rule if whether के बाद subject लाए। और चौथा rule last में हम question mark हटा के full stop ले आए। बाकी previous rules हैं वो सब apply होंगे। ये ध्यान रखें हम। इसके बाद third sentence है हमारे पास। देखें। She said to me, what is the matter? तो she said to को चेंज किया, ये सेंटेंस देखें what है, तो what कौन सा है, सेकंड टाइप, WH टाइप, ये वाले रूल हमें अप्लाई करने हैं। सबसे पहला रूल लगाया हमने said to को बदला asked में, she asked me, जो what है यहाँ पे, what देखें if whether यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ तो जो what है वो काम कर रहा है किसका, what यहाँ खुद कंजंक्शन का काम कर रहा है, तो what सब्जेक्ट, सॉरी कंजंक्शन था, ये कंजंक्शन एज इट लगा रहा, और वाट के बाद जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द मैटर, तो द मैटर लेके आए, वाट द मैटर, और जो वर्ब है हमारे पास वो सब्जेक्ट के बाद जाएगी, यानी जो इज है वो पास्ट में बदल के वाज हो जाएगा। तो सेंटेंस बना हमारे पास, शी आस्क्ड मी वाट द मैटर वॉज। अब यहाँ एक बड़े ध्यान रखने वाली बात यह है, कई बार हम गलती क्या कर देते हैं, हम को बना देंगे सी सेड टू मी, तो सी आस्क्ड मी व्हाट वाज द मैटर, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, व्हाट के बाद हम वर्ब को एज इट नहीं लगा सकते, व्हाट जब हमने कंजंक्शन बना दिया उसके बाद हमें लाना है क्या, सब्जेक्ट, और जो वर्ब जाएगी हमारी वो सब्जेक्ट के बाद जाएगी, यानी जो इज है वो पीछे वाज में बदल के चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, ही सेड टू मी, हाउ डू यू नॉट नो मी, तो ही सेड टू बदला आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी, हाउ खुद कंजंक्शन था,
कनेक्शन का काम कर दिया ऐसे क्वेश्चन वर्ड ने। हाउ, हाउ के बाद सब्जेक्ट है हमारा यू, यू लेके आए हम इस मी से बदल के किस में हो गया आई में फर्स्ट पर्सन। प्रेजेंट इंडेफिनिट है डू, इसको बदल दिया हमने पास्ट इंडेफिनिट में। डू और नॉट किस में बदल गया डिड नॉट में। और नो जो मी था फर्स्ट पर्सन ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी इसे ही से बदला। और ही कौन सा पर्सन है थर्ड पर्सन। क्या चाहिए हमें ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन में ही का ऑब्जेक्ट, ही ऑलरेडी थर्ड पर्सन है, इसका ऑब्जेक्ट क्या आया हिम। तो सेंटेंस हुआ हमारे पास दिस, ही आस्क्ड मी हाउ आई डिड नॉट नो हिम। एंड नेक्स्ट सेंटेंस माय फादर सेड वेयर इज राहुल। तो माय फादर आस्क्ड और आस्क के बाद वेयर इज राहुल। इसमें ध्यान दें इस तरह के सेंटेंसेस में कई बार हम अकॉर्डिंग टू सेंस जो ऑब्जेक्ट है वो हम ऐड कर सकते हैं अगर हमें जरूरत लगती है तो, चाहे तो, नहीं लगती ना चाहे। माय फादर आस्क्ड वेयर राहुल वाज। यहां हम चाहे सेंटेंस की ब्यूटी बढ़ा रहा हमी इसलिए हमने लगा लिया यहां माय फादर आस्क्ड मी वेयर राहुल वाज, अदरवाइज ड्रॉप कर सकते हैं माय फादर आस्क्ड वेयर राहुल वाज। क्लियर, दोनों सेंटेंसेस दोनों टाइप इंट्रोगेटिव के यहाँ क्लियर हो गए हैं।